दोस्तों कैपेसिटी में आप सभी स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं जिंदल स्टील प्लांट के द्वारा दोस्तों डायरेक्ट भर्ती निकल के आ चुके हैं दोस्तों 2024 में, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक पास आउट स्टूडेंट के लिए भर्ती निकाला गया है। तो तीन ही क्वालिफिकेशन स्टूडेंट फिलहाल जिंदल स्टील प्लांट में अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। इसमें जो महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाला गया है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्री में इसमें अप्लाई होने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपसे एक भी रुपये चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल आपको फ्री फ्री इस कंपनी में जॉब दिया जाएगा। काम आपका 8 घंटे 26 दिन चलने वाला है कंपनी में। जो आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, वो आईटीआई वालों के लिए मैंने यहाँ पे सैलरी रखा हूँ, चूँकि 25,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो डिप्लोमा कैंडिडेट है, बीटेक हैं, उनके और भी ज़्यादा सैलरी रहेगा। आपका जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से आपका इंटरव्यू जाएगा, उस हिसाब से आपका इसमें सैलरी भी दिया जाएगा। एज लिमिट जिनका 18 से 45 वर्ष तक है, वो इसमें जॉब पा सकते हैं। तो 45 ईयर्स तक जिनका एज है, वो इसमें फिलहाल अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। और ये जो भर्ती निकाला गया दोस्तों, वो जो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो इसका प्लांट है, उसी प्लांट द्वारा ये भर्ती निकाला गया, वहीं पे आप लोगों का जॉब लोकेशन रहने वाला। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है, ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। देखिए जिंदल स्टील प्लांट में अगर आप जॉब करने के लिए जाएंगे ना, तो इसका फैसिलिटी भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है। तो सुनिए, आपको रूम तो प्रोवाइड किया जाएगा, क्वार्टर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। उसके साथ आपको दोस्तों खाना का पैसे दिया जाता है। आप अगर कैंटीन में खाना वगैरह नहीं खाते तो खाने का भी आपको पैसे दिया जाता है। उसके साथ दोस्तों आपका 2 चिल्ड्रेन है ना, 2 बच्चे को दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए भी फ्री रखा जाता है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ाइए दोस्तों, उसका पैसे भी आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, या अगर कंपनी का स्कूल है तो वहीं पर आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी दोस्तों कंपनी द्वारा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ESI वगैरह जो भी होता है कि आपका बच्चे का या आपका फैमिली का कोई भी किसी का भी अगर कुछ बीमार वगैरह हो गया, तो उसका भी जो भी दोस्तों चार्ज का खर्चा होता है, ठीक है ना, वो खर्चा भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अच्छी कंपनी है। जिंदल स्टील प्लांट के अलावा भी दोस्तों और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जब भी ऐसे कंपनी में भर्ती निकले तो आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बार बार नहीं दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप चाहे ITI पास हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, 10th किए हैं, 12th किए हैं, या अनपढ़ है, आपको अगर कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा दोस्तों, ठीक है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपको अगर कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप KPSIT यूट्यूब चैनल से दोस्तों 7 डेज बन कर रहिए। कितना? 7 डेज आप इस चैनल से बने रहिए दोस्तों। आपको अगर जॉब नहीं मिलता है तो फिर दोस्तों मेरे चैनल को अनफॉलो करके आप लोग जा सकते हैं, अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 7 दिन से पहले ही मैं आपको जॉब दिला दूंगा। क्या करना पड़ेगा सिर्फ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान से। मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग पहले ज्वाइन होकर रखिएगा। जो टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन होंगे, वही केवल व्हाट्सअप पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि दोनों जगह ज्वाइन होकर रहते हैं, तो दोनों जगह आप लोग को ज्वाइन होने का जरूरत नहीं है, एक जगह कहीं पर भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सअप नंबर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है और मैसेज करना है कि मुझे जॉब चाहिए, और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैसेज करने से पहले मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, मेरा बहुत सारा कंपनी का वीडियो जो है दोस्तों चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे वीडियो है जो आपको फ्री में जॉब दिया जाता है, और कुछ ऐसे वीडियो है जो आपको चार्ज लेकर और इसमें जॉब दिया जाता है, ठीक है। तो पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, है ना, फिर आप वहाँ पर कंपनी का नाम मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से रिप्लाई दे दूंगा और उसी कंपनी में मैं आपको जॉब लगवा दूंगा। बाकी बिना वीडियो देखे मैसेज वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का फ्री का वीडियो बना हुआ है, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जिसमें अच्छी कंपनी के साथ अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसमें कुछ चार्ज लेकर दोस्तों आपको परमानेंट जॉब दिया जाता है, तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, तो जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा। मान के चलिए आप ऐसे में व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर देंगे तो आप लोग बोल देंगे कि मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस कंपनी के लिए मैसेज किए हैं, किस कंपनी में आप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो देख लीजिएगा, ताकि हमें भी ज़्यादा परेशान ना हो और आप भी ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं जिंदल स्टील प्लांट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और नोटिफिकेशन चलकर दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, फिर जाके आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो जिंदल स्टील पावर प्लांट के ऑफिशियल बैनर पर आ चुके हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो भर्ती निकाला गया एक्चुअली जो यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट रेल प्लांट के लिए भर्ती निकाला गया, जिसमें रेल का सामान बनाती है जिंदल स्टील प्लांट, उसी प्लांट द्वारा यह भर्ती निकाला गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेल में जब पटरी का जो ये होता है वो पटरी का यहाँ पे ये बनता है और भी बहुत सारी चीज़ बनती है रेलवे का, उसी के लिए आपका ये भर्ती निकाला गया। इसमें आपको परमानेंट जॉब रहने वाला है, फुल टाइम आपको जॉब दिया जाएगा जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जो ये प्लांट है वो रायगढ़, यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में प्लांट है दोस्तों, तो यहीं पर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, ये जो कंपनी है वो 22 से भी ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, ठीक है, तो 22 कंट्रीज में काम कर रही है। आप अगर बाहर जाके काम करना चाहते हैं विदेशों में दूसरे कंट्रीज में तो उसका भी आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले आपको यहाँ पे 2-3 साल काम करना पड़ेगा, फिर आप अगर जाना चाहते हैं तो कंपनी के थ्रू ही आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप इसमें क्या एलिजिबल कैटेगरिया रहने वाला है उसमें आते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरगेट रेल प्लांट के लिए भर्ती निकाला गया है, जिसमें मिलिंग मशीन ऑपरेटर के लिए भर्ती निकाला गया है। इसके अलावा और भी पोस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहे। जॉब कोड जो आपका रहने वाला है RFP003 आपका ये जॉब कोड रहने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो इसमें लिया जा रहा है डिप्लोमा IT वालों को लिया जा रहा है, BTEC वालों के लिए भी मैं बताऊंगा, आप लोग बने रहे वीडियो में, ठीक है। जो डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं, मैकेनिकल जितने भी ब्रांच है सारे ब्रांच वाले इसमें जॉब कर सकते हैं, और जो IT वाले हैं वो टूल एंड डाई मेकर से जो IT किए हैं ट्रेड से और फिटर से और टर्नर से, इन 3 ट्रेड वालों को इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। तो IT वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया, आपके पास मिनिमम जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसमें जॉब कर सकते हैं। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इसमें फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैं IT कैंडिडेट को डिप्लोमा कैंडिडेट को बहुत बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोग को दे चुका हूँ, मेरा पुराना वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं अगर आपको ऑपरेट करना सीख गए हैं, ठीक है। जैसे कि एक बेस्ट कुक ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें ज़्यादातर मशीनरी का ही काम होता है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ऑपरेट करना सीख जाते हैं। उस कंपनी में मैं आप लोगों को भेज रहा था, लेकिन आप लोग उस टाइम नहीं गए थे। अभी भी आप लोग के पास मौका है, कोई अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप अगर कोई मशीन ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं तो आप बेस्ट कुक ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड में जाइए, आपको वहाँ पे मौका मिलेगा यहाँ पे ऑपरेट करने का, ठीक है। आप सीखेंगे, आप ऑपरेट करना सीख जाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सैलरी बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी जिंदल स्टील प्लांट में भर्ती निकाला गया है, इसमें आप अगर मिलिंग मशीन ऑपरेटर हो जाते, अभी जो कैंडिडेट सीख के रखे हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो अभी इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। तो आप लोगों को काम करना चाहिए, आप काम करेंगे सीखेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तभी जाके आगे चल के आपका सैलरी बढ़ेगा। नहीं तो आप लोग सोचते हैं कि मुझे पहले ही ज़्यादा सैलरी वाला जॉब चाहिए, और इस चक्कर में आप लोग जो है सीखना ही भूल जाते हैं, समझ गए ना। आप यहाँ पे रोल्स दे दिए गए, जॉब रोल्स क्या क्या रहने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है। तो GHW में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रोल्स होता है और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसे आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, दूसरा जो पोस्ट यहाँ पे रखा गया है देख सकते हैं, जो स्ट्रेथिंग प्रेस एंड बैंड शो ऑपरेटर के लिए भर्ती निकल गए, जॉब कोड जॉब का रहने वाला RPF004 आपका जॉब कोड रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है वो डिप्लोमा एंड IT पास आउट स्टूडेंट के लिए भर्ती निकला गया, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं दिया गया, कोई भी IT वालों के लिए ट्रेड नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 2 साल से लेकर 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, तभी आपको लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें भी दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है पढ़ लीजिएगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप देखिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट है ना IT या डिप्लोमा वाले, उनके लिए मेरे पास एक ऑफर है, ठीक है, आपको JSW में ही जॉब दिला दूंगा, ठीक है। जो उड़ीसा में इसका प्लांट है और महाराष्ट्र में जो इसका प्लांट है, उन दोनों प्लांट में, उड़ीसा और महाराष्ट्र में, अगर किसी को करना है तो मुझे व्हाट्सएप पर जाके मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज है, ठीक है। जो चार्ज दे पाएंगे उनका इसमें भर्ती हो जाएगा दोस्तों, तो मुझे व्हाट्सएप पर जाके एक बार मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं BTEC वालों के लिए दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी वही दिया गया, ठीक है, 22 कंट्रीज में काम कर रही है, यहाँ पे देखिए दे दिया गया। इसमें भी जो BTEC वालों को लिया जा रहा है वो भी फॉरगेट रेल प्लांट के लिए ही आपको लिया जा रहा है। क्वालिटी यहाँ पे दे दिया गया, इंजीनियर्स के लिए आपको लिया जा रहा है। जॉब कोड आपका जो रहने वाला RFP005 आपका जॉब कोड रहने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन देख सकते हैं BE BTEC डिप्लोमा मैकेनिकल एंड देख सकते हैं मेटल वगैरह वाले से जो ब्रांच से जो किए हैं उनको लिया जा रहा है। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल से लेकर 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, आपका अगर 45 साल तक अगर एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 55 साल तक भी अगर आपका एज लिमिट है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सैलरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है
ठीक है, आईटी कैंडिडेट, उनका तो 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी रहेगा। अब जो डिप्लोमा के हैं, बीटेक के हैं, उनका सैलरी 40+ रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी दे दिए गए, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में भी आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे मौके को आप लोग को मिस मत कीजिए। इसका अप्लाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने ग्रुपों में, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर JSW में जॉब करना चाहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो फिलहाल अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा जो है नंबर व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस पर जाके मैसेज कीजिए, क्या चार्ज लगने वाला, क्या नहीं लगने वाला, वो सारा कुछ मैं वहाँ पे बता दूंगा। फिर जिनको करना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट मैं बोलूँगा, वो सारा डॉक्यूमेंट भेजिएगा, पूरा प्रोसेस मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिलहाल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, ताकि आगे चल के और भी ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा।